उत्सव है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज का नाटक है बलि, जिसके लेखक हैं गिरीश कर्नाड जी और निर्देशन दिया है वशिष्ठ उपाध्याय जी ने। इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 25 मिनट। दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि इस साल नटसम्राट का 25वां साल है और 25 साल से आप दर्शकों के लिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपका सहयोग हमें मिलता जा रहा है और ऐसे ही आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम आगे भी बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नटसम्राट ने अब तक लगभग 50 नाटकों को 1500 से अधिक शोज दिल्ली से बाहर देश विदेश में किए हैं और सबसे बहुत प्यार मिला है और आशा है ऐसा प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हमारे बीच में वरिष्ठ रंगकर्मी लेखक जेपी सिंह जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। साथ में चंद्रशेखर शर्मा जी भी हैं, उनका भी स्वागत। और हमारे दादा सबन साहू जी भी हैं यहाँ पर, जो कला प्रेमी है और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, आपका भी स्वागत है। आइए देखते हैं नाटक बलि। ये संसार विभाजित दो गोलार्धों में एक उजागर है दीप दिवाकर से, तो दूसरा छुपा अंधेरों की गहरी छाया में। ठीक इसी तरह ये आत्मा भी खंडित है दो भागों में, जो कि है। तूने मेरा चेहरा देखा? हाँ, मानती हूँ मैंने देखा। तुझे कैसा लगा? पता नहीं। तुझे यहाँ आए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और तुझे ये नहीं पता मेरा चेहरा कैसा लगा। चल अब देखा, अब बता क्या कहती, कैसा बोल। यदि तुम सोचते हो तुम ऊंचे ढील डॉल वाले गौरांग बलशाली पुरुष हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जान लो ऐसे लोगों से मैं घिरी रहती हूँ, थक चुकी हूँ उन सब से। टाल रही है मेरा सवाल? टाल नहीं रही, तुम्हारे रूप का मेरे लिए कोई अर्थ है ही नहीं। मैं यहाँ आई तुम्हारा गाना सुनकर। अलौकिक स्वर है तुम्हारा, नैसर्गिक। मुझे तुम्हारे स्वर की संगत चाहिए थी। फिर तूने अंदर आते ही वो बत्ती क्यों बुझा दी? मेरे साथ संभोग करते समय मेरा चेहरा देखना सहना कठिन था, है ना? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा चेहरा देखो। क्यों, तू भी कुरूप है क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता, लोग प्रहाया मेरा रूप बखानते ही। तुम जाओ और सो जाओ, अथवा यहाँ घूमो फिरो, पर उससे पहले को छोड़ लो। आप कहाँ जाएंगे? मत पूछो। शीघ्र ही घना कुहासा होने को है, टपकती बूंदे, तुम भीगे हुए हो। जाओ जाओ और सो जाओ। बताती क्यों नहीं कि आपकी योजना क्या है? मैं अपनी देवी भवानी को 100 पंछियों की बलि दूंगी। 100 चहकते पंछी, यदि हम देवी के सूखे हटे कंठ को सिक्त कर। मैं चीख रही थी, मेरे मुंह में कपड़े की पट्टी ठूस रखी थी, किंतु फिर भी हो तो कल्पना भी कैसे करेगी मुझ पर क्या बीती। लगा कि मैं मरी, मैंने शिशु को एक दृष्टि भर देखा, लगा
की दृष्टि है। देखा, वो लहू में लथपथ था, मेरी गर्भनाल से आधा लिपटा हुआ, और मैं हंसने लगी। लगा कि मैं जी गई। हाँ, मैंने उसे रक्त में डुबोया था, तो तू तो उसे पाप में डुबो रही है। मैं इस चढ़ावे को कभी नहीं स्वीकार करूंगी। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगी, कृपया सभी मंच पर आ जाएं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि आपको नाटक कितना अच्छा लगा। आपको बताना चाहूंगी, इस नाटक के निर्देशक हैं वशिष्ठ उपाध्याय जी। मैं नट सम्राट के निर्देशक श्याम कुमार जी से निवेदन करूंगी, कृपया जेपी सर जी को, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उनको प्लीज मंच पर लेकर आए और वशिष्ठ सर को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। जेपी सिंह सर जी और श्याम कुमार जी, सर हमारे कलाकारों को भी सर्टिफिकेट प्लीज। ऋभव कौशिक, राजमाता कीर्तिका मिश्रा, सात्विक दुबे, आप सभी कृपया अपने सीट पर रहें, अभी बहुत जल्दी दूसरा नाटक शुरू होने वाला है।
रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो कृपया कहीं ना जाएं और प्लीज यहीं रहें। अगला है नैंसी सिन्हा। सूत्रधार अखिल, सूत्रधार नैंसी की थी। बैकस्टेज में सेट में दीपक, रोहित वर्मा, दीपक, रोहित वर्मा, चिराग, हर्ष पहाड़िया, भवेश, विभावश्री, विभावरी, उत्कर्ष पुरी, म्यूजिक में खूबसूरत संगीत संचालन किया है उत्कर्ष पुरी ने, प्रकाश में पूरी धूपर। और आपको बताना चाहूंगी वशिष्ठ उपाध्याय जी ने प्रकाश परिकल्पना की है। और प्रोडक्शन में कैलाश मेहरा, साथ ही संजीव कांत, दोस्तों लिरिक्स में भी वशिष्ठ उपाध्याय जी थे। संजीव कांत जी दर्शक होने के साथ साथ कॉमन पीपल जो थिएटर ग्रुप ने आज नाटक प्रेजेंट किया उसके संस्थापक भी है। हमारे बीच आशीष विक जी मौजूद हैं, वरिष्ठ कलाकार। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। सर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं नट सम्राट के साथ, और साथ साथ हर रंगमंच में हमारे लिए हेल्प भी करते हैं और साथ में जुड़े भी रहते हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों बहुत जल्दी बस हम लोग अगला नाटक लेकर आ रहे हैं।